तो नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए, अपना ठिकाना है नहीं। मैंने आपको वही कहा, जिस पार्टी का जीरो एमपी है वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है। चांदकिशोर जनसुराज पदयात्रा को लेकर पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वे लगातार सभी पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं। अब उन्होंने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव अगर लालू यादव के बेटे ना होते तो देश में ऐसी कोई नौकरी नहीं है जो उनकी काबिलियत पर मिल जाए। जरा वीडियो देखिए। एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू, वो इसी भूमिका में थे जिस भूमिका में नीतीश कुमार आने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार की तो 42 को एमएलए है, लंगड़ी सरकार है, वो तो उस राज्य में बहुमत की सरकार चला रहे थे और यही भूमिका उन्होंने भी शुरू किया था। बंगाल पूरा देश का दौरा कर रहे थे कि अब हम खड़ा करेंगे। नतीजा क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में उनका एमपी घट के हो गया 3, 23 विधायक जीते, सत्ता से बाहर हो गए। तो नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए, अपना ठिकाना है नहीं। मैंने आपको वही कहा, जिस पार्टी का जीरो एमपी है वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है। जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं है वो पूरे देश के पार्टी को एकत्र कर रहा है। नीतीश कुमार जी कल परसों गए थे कलकत्ता में। प्रशांत किशोर बोले, नीतीश कुमार और राजद का अपना कोई ठिकाना नहीं है, ये लोग क्या किसी को पीएम बनाएंगे। 2024 में नीतीश का हाल चंद्रबाबू नायडू जैसा होगा। पीके ने यह हमला ऐसे वक्त में बोला जब नीतीश और तेजस्वी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश और तेजस्वी ने हाल ही में लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। इससे पहले नीतीश और तेजस्वी दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी मिले थे। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी।